हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देना चाहती हूँ जो हमारे रोज़ की ज़िंदगी में काम आते हैं। ये एक बाल्टी है जो मैंने कि एसी का जो पानी निकलता है तो इस बाल्टी में टपकता था, तो काफ़ी दिन हो गए थे, गंदी हो गई थी, मुझे साफ़ करना था। तो इसे अगर हम साबुन वाबुन से साफ़ करते हैं तो साफ़ नहीं होती है, तो उसके लिए बता रही हूँ। ये एक एसिड आता है, टाइल साफ़ करने वाला एसिड होता है। अगर आप इसको थोड़ा सा डालो, ज़रा सा रब करोगे ना, तो एकदम साफ़ हो जाती है। ये देखिए, ये मैंने इसमें डाल दिया है। और इसमें आप जो ब्रश होता है ये, उससे आप अगर इसको रगड़ेंगे ना तो तुरंत साफ़ हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा पानी भी डाला है। ये देखिए, ये ऐसा ब्रश है, इससे मैं करूँगी। अगर आपके पास ग्लव्स हैं तो आप ग्लव्स पहन सकते हैं सावधानी के तौर पे, लेकिन मैंने इस ब्रश को बिल्कुल ऊपर पकड़ा है और इससे मैं इसको थोड़ा सा रब करूँगी। तो इसकी जितनी भी नीचे गंदगी होगी, जो वाइट वाइट सा जम जाता है पानी में, कैल्शियम होता है, चूना होता है, उसका वाइट वाइट जम जाता है, वो बिल्कुल छूट जाएगा और ये बाल्टी एकदम क्लीन हो जाएगी। इससे आप जो मग्गे होते हैं, हम जिसे पानी डालते हैं, या प्लास्टिक का टब है, आप उसको भी साफ़ कर सकते हैं। तो मैं इसे साफ़ करके आपको दिखाती हूँ कि देखिएगा ये कितनी बढ़िया से क्लीन हो जाती है, और 2 मिनट भी नहीं लगते हैं इसे साफ़ करने में। नहीं तो अगर हम सर्फ़ वगैरह से करेंगे तो हमें काफ़ी रगड़ना पड़ता है, हाथ भी दर्द होने लग जाते हैं। और ये बस इसको हल्का सा रब करेंगे और इसके बाद हम इसे पानी से धो देंगे तो बाल्टी एकदम साफ़ हो जाएगी। ये देखिए, बिल्कुल चमक गई है ये बाल्टी। अब इसमें बिल्कुल गंदगी का कोई नामो निशान नहीं है। तो आप लोग ये ट्रिक ज़रूर आजमाइएगा और इसे फॉलो करिएगा। टाइल्स क्लीनर आपको किसी भी लोकल शॉप या किराना दुकान होती है वहाँ मिल सकता है। दूसरी टिप्स मैं आपको ये टमाटर दूंगी। हम कभी जब सब्जी में टमाटर डालते हैं तो कितना भी पकाओ, टमाटर के हल्के से रेशे रह जाते हैं जो हम उसे निकाल के बाहर कर देते हैं या खाते नहीं हैं। तो आप हमेशा टमाटर का इस टाइप से छिलका उतार कर उसे यूज़ करिए, उसे मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए, या फिर वो जो किसनी होती है उसे किस कर सब्जी में डालिए, तो वो आपके खाने के लिए भी फ़ायदेमंद है। और ये छिलका तो बोलते हैं बहुत नुकसान करता है, जब ये पकाने में नहीं पकता है तो फिर हमारे पेट में जाके कहाँ से पचेगा। तो इससे टमाटर बहुत जल्दी सब्जी में गल भी जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा, ये टमाटर दिखेगा भी नहीं। नहीं तो वो हल्के हल्के से रेशे रह जाते हैं जो कि अक्सर सब्जी में ऊपर ही दिखते हैं। थर्ड आपकी गार्डनिंग के लिए टिप्स है, ये कुछ केले के छिलके हैं जो खाने के बाद हम फेंक देते हैं, उसे आप पानी में डाल दीजिए और गला दीजिए, और 2 दिन बाद इस पानी को आप छान कर जो फूल वाले पौधे होते हैं अगर उसमें डालेंगे तो फिर देखिएगा कि आपके उस पौधे में कितने फूल आते हैं। तो इसे ज़रूर आजमाइएगा। ये मैंने अभी गलाए हैं, इसके 2 दिन बाद मैं इसे गले रहने दूंगी, उसके बाद मैं इसे छान कर इसका पानी निकालूंगी और पौधों में डालूंगी। तीसरी चीज़, ये मैं एक फ़्लिपकार्ट से वॉलपेपर मंगाई थी जिसे अनबॉक्स करके आपको दिखा रही हूँ। इस वॉलपेपर को मैं कई जगह यूज़ करूँगी, जैसे कि कहीं हमारी दीवार कहीं कहीं पे थोड़ी सी ख़राब होती है, या आप किसी फर्नीचर के ऊपर इसे चिपकाना चाहते हैं, या कहीं भी आप अगर क्राफ्ट का आइटम बनाते हैं तो वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा और रीज़नेबल रेट में ये रहता है। तो इसे मैंने मंगाया है, इस बार ब्लैक कलर में मंगाया है, पहले मैंने वाइट मंगाया था। ये देखिए, इस टाइप से ये रोल में रहता है और इसे आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसे आप किचन में या टेबल की जो आपकी दराज वगैरह होती है वहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये इजीली चिपक जाता है और आप इसको कपड़े से भी ऊपर से पोंछ सकते हैं। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये, आप लोग इसे देखिएगा, अगर पसंद आए तो इसे ज़रूर मंगाइए। इसमें बहुत सी वैरायटी होती है, आपको जो कलर पसंद आए या जो प्रिंट पसंद आए आप वो मंगा सकते हैं। इसके साथ ही मैंने एक प्लास्टिक वाला ये रोल मंगाया था, इसे मैं जो अपना हमारे किचन के जो रेक होते हैं उसमें बिछाऊंगी। ये वॉशेबल होते हैं, अगर गंदे भी हो जाए तो इसे धो लेते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय।